तो शुरुआत करेंगे पहले बीटरूट से। ये रहे बीटरूट। अगर आपके पास ऐसे बीटरूट्स मतलब ताज़े भी हैं और थोड़ा सा अगर ख़राबी हो रहा है तो आप इसका यूज़ कहाँ कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। आज मैं स्पेशली इसका यूज़ करने जा रही हूँ क्योंकि हमारा प्लान है आज मूली के परांठे बनाने का। तो पहले मैं बताती हूँ कि बीटरूट का हमने क्या यूज़ करना है। सबसे पहले तो इसको ऐसे छील के हमें रख देना है और उसके बाद इसको ग्राइंड करना है। तो पहले छील दिया मैंने अच्छे से और अब इसको मैं अच्छे से छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करूँगी। छोटे बड़े वो आप पे डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको ऐसे मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर देना है। मेरे हाथ देख लो। तो लीजिए अब मेरा मिक्सर भी चल पड़ा। इसको ग्राइंड होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, मतलब तो मैंने सोचा कि इसको इजीली ग्राइंड करने के लिए बेटर है कि मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँ। तो मैंने इस पर पानी डाल के ट्राई किया, तब जाके ये थोड़े से अच्छे तरह से ग्राइंड हुए। अदरवाइज ज़्यादा टाइम ले रहा था ग्राइंड होने में इसने। तैयार हो चुका है बीटरूट वाला पानी और ये रहा आटा। अब इस आटे को हम इस पानी से गूंदेंगे। तो जी शुरू आटा गूंदने का प्रोसेस। आटा गूंदना मुझे सबसे बेकार काम लगता है किचन में, बट इसके साथ गूंदने में अच्छा सा लग रहा था क्योंकि रेड रेड मतलब डिफरेंट सा लगता है ना। तो आप चाहें तो आप डेली यूज़ के लिए भी मतलब जो दिन में आटा आप घर पे बनाते हो चपाती के लिए पूड़ियों के लिए जिस चीज़ के लिए भी उसे भी आप इस तरीके से ही गूंद सकते हो बीटरूट से। तो जी आफ्टर मेहनत आटा दिख रहा है कुछ इस तरह से, बिल्कुल सॉफ्ट और रेड और मेरे हाथ बिल्कुल लाल लाल हो गए। तो अभी चलेंगे मूली के परांठे बनाने के प्रोसेस में क्योंकि वो तो मम्मा ही बनाएंगे, परांठे में एक्सपर्ट है। तो चलो वेट करते हैं मम्मा का। बना रही हूँ गाय के लिए मीठी पिन्नियाँ। ये मैंने आटा ले लिया और उसमें शक्कर डाल के इस तरह से इसके बॉल्स बना के। तो वैसे मैं गाय को देती हूँ पिन्नियाँ और चपातियाँ, तो मैंने सोचा आज उसको भी मैं यही वाली बना के खिला देती हूँ, रेड रेड वाली। जी हाँ मम्मी ने फ्राई कर दिया है कढ़ाई में ये मूली वाला मसाला, बिल्कुल तैयार कर दिया है। और अब तो बनाएंगे परांठे। तो जी रेडी हो चुके हैं बहुत ही सुंदर दिखने वाले लाल लाल परांठे और आधे अभी बनने को है। ये देखो किचन की हाल तबाही हो चुकी है आज परांठे के चक्कर में मम्मी। और थोड़ा सा आटा बच चुका है, इसकी मैं चपातियाँ बनाऊँगी। तो अभी बहुत ही उम्दा तरीके से करते हैं एंजॉय लाल लाल परांठे। तो जी अब बारी है मेरी परांठा एंजॉय करने की। ये देखिए बिल्कुल लाल लाल बने। बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट है जैसे बाकी परांठे को, तो बस देखने में ही सुंदर से लग रहे रेड रेड से। तो मैं परांठे एंजॉय कर लेती हूँ घर से। और ये रही गाय के लिए पिनिया और चपाती, वो रहे प्राची और उसके पापा। एंड ये रहा पीछे घर, ये हमारा पुराने वाला घर है। इसका मैं कभी आपको टूर करवाऊंगी। ये आई थिंक 100 साल हो गए इस घर को, है ना, 100 साल हो चुका। और ये भी एक घर है, ये भी दादू वगैरह का घर है पुराना, तो इसको भी तकरीबन होने ही वाले हैं 100 साल। तो मैं आपको गांव का नज़ारा दिखाते हुए चलती हूँ। ये देखिए ये निकले हम घर से वहाँ से, और यहाँ से स्टेयर्स हैं नीचे को। और ये देखिए एक घर यहाँ पर है दादू का पुराना, और ये भी पीछे को घर है। एंड यहाँ से जाते हुए रास्ता ये देखो कि तो पुराने घर है, मिट्टी वाले घर है ये, पता इतने पुराने और इतने पक्के मकान अभी तक बिल्कुल खड़े हैं। तो आगे बस थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर है नानी का घर जहाँ पर गाय है। और ये देखो केले का पेड़, केले भी लगे हुए हैं, ये देखो केले। ओके तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखो ये है पपाया का पेड़, जिनको नहीं पता, कुछ को तो पता ही होगा, मतलब ये पपाया का पेड़ इस तरह से होता है। और इस पर देखो कितने सारे पपाये लगे, और ये पकते भी है, इसकी हरे की सब्जी बनाते हैं, परांठे बनाते हैं, बहुत चीज़ें बनती है इसकी। और ये नानी का नए वाला घर है, मतलब जो कॉन्क्रीट वाला घर, और ये पुराने वाला घर है जहाँ पर गाय हैं। अभी हम यहाँ जाके गाय को पिनिया देंगे।
पहचान गई है। ढंग से छू पैर। सॉरी मुझे डर लग रहा है। आरती भी करना आगे। ओके बस नीचे खुर पे छू। अरे यार लीजिए मैया। थैंक यू मैया। ओके बाय गौ माता। अब बारी है प्राशिव की जय करने की, माता रानी से आशीर्वाद की। इधर देखो इधर देखो। जय गौ माता। हैंडू लगाओ इसका। ना उसको मेरे में इंटरेस्ट है, इसका मेरे पास और अब नहीं है, अब खत्म है। चलो चलते हैं हम घर की तरफ। तो जिस तरह से था कुछ आज का दिन, अभी दिन तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब हाफ डे ही हुआ है, बट अभी जो कुछ दिखाना था काफ़ी कुछ मैं दिखा चुकी हूँ ब्लॉग में। अब इसके बाद वैसे भी कुछ नहीं, लंच वंच करेंगे, थोड़ा सा ऑफिस का काम है। तो मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। और कभी मैं ज़रूर आपको पुराने वाले घर का जो है उसका टूर ज़रूर करवाऊंगी। तो वैसे टूट चुका है बट थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा कि पुराना कल्चर यहाँ का किस तरह का था। ठीक है ओके।